हेलो क्लास 5th सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी। तो इसमें देखिए आज आपका न्यू लेसन है, नया पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट का नाम है डाकिए की कहानी, डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ओके, डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, और पेज नंबर आपका बेटा 58। तो इसको खोल लीजिए पेज नंबर 58 और ध्यान से इसको सुनिएगा जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाके कंवर सिंह जी की बात की, यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो क्या था कंवर सिंह, क्या था डाकिया था, तो उसी संबंधित ये पाठ है। तो इसको सुनिए। आपका शुभ नाम, सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, आपका शुभ नाम। मेरा नाम कुंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, इसमें कंवर सिंह है जो वो अपनी कहानी बता रहा है। आगे है, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसे घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। अब देखिए, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं, कौन सिंह से पूछा जा रहा है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। तो देखिए कंवर सिंह से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, इसमें जहाँ आप जहाँ काम करते हो वहाँ आपके अलावा और कौन कौन हैं, क्या आपको डाकिया ये कहकर बुलाते हैं। ठीक है, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। अब देखिए, डाक सेवा को करना क्या क्या होता है, जो डाक सेवा होती है उनको क्या क्या करना होता है। तो मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो जो पेंशन होती, चिट्ठियाँ होती हैं, उनको छोड़ने क्या जाना पड़ता है, गांव में उनको देना पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए इसमें, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। अब देखिए इसमें, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए, लेकिन जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाके का सादर आदर और सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाके का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे।
जो हमारी डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह कैसे, तो सुनो, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के लिए कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा, कॉमर्सिंग से पूछा जा रहा है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर पहुंचा हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देख के ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है तो जिससे भी रिजल्ट कभी नियुक्त पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठे ही दी जाती है। तो बच्चों, आज देखो मैं यहाँ तक आपको पढ़ाऊँगी और आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ा है इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। जो क्या है, डाके कॉमर्सिंग की जो कहानी है इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। और कल जो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, मैं उसमें इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और आपको ही उसके आंसर देने होंगे। मैं केवल क्वेश्चन बनाऊंगी और आपको उसके आंसर देने होंगे। तो इसको क्या करिएगा, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। 2 पेजेस हैं, अभी मैंने पार्ट कंप्लीट नहीं किया। 2 पेज आप इसको ढंग से पढ़िएगा। पेज नंबर है आपका 58 और 59 पेज आपको पढ़ना है।